राम तो बड़ा होके क्या बनेगा? बता बेटा, बड़ा होके तू क्या बनना चाहता है? तू क्या करना चाहता है? सर, पहले बड़ा तो होने दो। मुझे ये नहीं पता मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। आप मेरे भविष्य के बारे में पूछ रहे हो? क्या मजाक है यार। भैया, सब लोग बोलते हैं पढ़े की चीज़ की वैल्यू नहीं होती। क्या ये बात सच है या वैसे ही हवा में बोल देते हैं? भैया, सच्चाई तो यही है, फरी की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं करता। जो चीज़ उसे आसानी से मिल जाती है उसकी कोई इज्जत नहीं करता। जब हम घर पर होते हैं तो पता नहीं कितने लीटर पानी ऐसे ही खराब कर देते हैं, लेकिन जब बाहर 20 रुपए की पानी की बोतल लेते हैं तो उसको भी ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे अमृत हो। भाई, तूने नौकरी क्यों छोड़ दी? अब तू क्या करेगा? मैंने कहा नौकरी छोड़ी है? उन्होंने लात मार कर मुझे नौकरी से निकाल दिया। राजू, तुझे पता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान जरूरी होता है। बिना ज्ञान के तू कभी कामयाब नहीं हो सकता। ओहो, तभी मैं सोचूं मैं इतना पढ़ लिया, इतनी डिग्री ले ली, फिर भी अभी तक मुझे नौकरी क्यों नहीं मिली? भाई, मुझे भी ज्ञान से मिलवा दे। बस तू ज्ञान के घर का पता बता दे, मैं अपने आप साइकिल पर ज्ञान के घर चला जाऊंगा। भैया, मैं किसी से भी मिलता हूँ, सब बोलते हैं हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। मतलब इस कहावत का मतलब क्या है यार? भाई, मुझे पक्का तो नहीं पता, पर मैं आइडिया लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं समझदार हूँ, हर चीज़ का सोल्यूशन मेरे पास होता है। मेरे ख्याल से हाथी कहीं पर अपनी मस्ती में जा रहा होगा। उसने किसी सड़क पर सोते हुए कुत्ते को कुचल दिया होगा। फिर बेचारे कुत्ते हाथी का कुछ बिगाड़ तो नहीं पाए होंगे, बस हाथी को डराने के लिए सब एक साथ मिलकर भौंकने लगे होंगे। फिर कुत्तों की हाथी से दुश्मनी हो गई होगी। जब भी हाथी बाजार जाता, सभी कुत्ते मिलकर उसे पाड़ने के लिए उसके पीछे लगे रहते, तो तब से कहावत बन गई होगी, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। भाई, एक छिपकली एक दिन में कितने मच्छर खा जाती होगी? कम से कम 100 मच्छर तो खा ही जाती होगी। यार, एक छिपकली ही मच्छरों के पूरे खानदान को खत्म कर देती है। फिर भी डरपोक मच्छर छिपकली को मारने की बजाय इंसानों के पीछे पड़े रहते हैं, ना ही सारी रात चैन से सोने देते हैं। जब सो जाता हूँ तो कान में मी 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 करते रहते हैं और ऊपर से मेरा खून भी चूस लेते हैं। राजू, तू तो बड़ा होके क्या बनेगा? बता बेटा, तू तो बड़ा होके क्या बनना चाहता है? सर, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर? बेटा, तू तो डॉक्टर ही क्यों बनना चाहता है, और कुछ क्यों नहीं बनना चाहता? सर, आपने मुझसे जितनी फीस लूटी है, आपके बुढ़ापे में आपको उतने सुए लगा लगा कर मेरी फीस के रुपए ब्याज के साथ आपसे ही निकलवाऊंगा। भाई, मुझे एक बड़ी सी गाड़ी लेनी है। कौन सी लूँ? समाल SUV लेनी है तो इकोस्पोर्ट ले, हैचबैक लेनी है तो फिगो फ्रीस्टाइल i20 में से कोई भी ले ले। और मेरी हर जगह बहुत बढ़िया जान पहचान है, मैं तुझे कम किस्तों में बढ़िया गाड़ी दिलवा दूंगा। बता, तुझे कौन सी गाड़ी पसंद है, मैं दिलवाता हूँ तेरे को। भाई, मेरे पास 5,000 रुपये है, बाकी के रुपए मैं 500 रुपए महीना किस्तों में दे दूंगा, तो मुझे इनमें से कोई भी गाड़ी दिलवा दे।